हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में क्वांट का मॉक पेपर डिस्कस करेंगे। मॉक पेपर प्रिपेयर किया है आरबीआई असिस्टेंट प्री 2019 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको लेकर। लेवल एग्जैक्टली वही है जिस लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही टॉपिक वाइज वेटेज भी वही रखने की कोशिश की है जिस तरीके से टॉपिक से वहाँ। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करना चाहूँगा कि जब भी आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चंस को पोज करके कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स में आप अपने आप को असेस करने की कोशिश कीजिए कि आप 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सही से कर पाए, क्या स्कोर रहा आपका। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उन अटेम्प्ट में आपके राइट कितने हुए, राइट। तो इससे क्योंकि प्री का जो लेवल है आरबीआई असिस्टेंट में भी प्री का लेवल तो बहुत आसान आएगा, बट उसमें कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं वही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस टेक्स कितनी कम की आपने, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपका कितना बेटर रहा, सिलेक्शन इन द सेंस कि जो 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें 10 सेकंड के क्वेश्चन भी होंगे और 1.5 मिनट के क्वेश्चन भी होंगे। तो आप कितने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट, अच्छे इन द सेंस जो कम टाइम में हो सकते हैं वो सेलेक्ट कर पाते। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्या दिया, सबसे पहले एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, 8 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। 8 मैन कितने टाइम में कर रहे हैं, 8 मैन 12 डेज में कर रहे हैं। व्हाइल 20 वुमेन कैन डू इट इन 20 डेज, और 20 वुमेन कर रही हैं इसको 10 डेज में, 20 वुमेन 10 डेज। तो टोटल वर्क के 8 × 12 96 मैन डेज आप इसको बोल लें या 200 वुमेन डेज बोल लें, वर्क के वही है 8 मैन कैन डू और 20 वुमेन, राइट। अब इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 15 वुमेन, 12 मैन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में इस काम को करेंगी या आपको। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी है। तो यहाँ से जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है उसको तो आप कर लीजिए भाई, जैसे 8 है अगर 4 से करूँ 2, और 4 से अगर मैं यहाँ करूँ तो 5, देन ये भी 5, 12, 25। तो मैन वुमेन कितने हो गए, 25 और इसका मतलब मैन की इफिशियंसी 25 यूनिट है और वुमेन की 12 यूनिट। तो सबसे पहले निकालिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क किसी में भी इनमें रख लीजिए भाई, आपने माना 8 मैन तो 8 × 25 × 12 ये टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क को अगर आप वन डे इफिशियंसी से, जो आपका ग्रुप है उसकी वन डे इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया टाइम वो आ जाएगा। तो वन डे इफिशियंसी कितनी आ गई, 12 मैन की आ गई 12 × 25 प्लस 15 वुमेन की आ गई 15 × 12, राइट। तो 25 × 12 कितने हो गए 300, और 15 × 12 कितने हो गए 180। तो 480 से इसको आप 480 से डिवाइड कर, राइट। तो अगर आप देखें 12 × 48 40 हो गए, 8 × 5 = 40 और 5 × 5 = 25। तो 5 डेज आपका राइट ऑप्शन आ गया, 5 डेज को टिक कर। ये मैंने तो आपको मैं तसल्ली से इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको, जिन्होंने जस्ट स्टडी को स्टार्ट ही किया है तो उनको फिर मैं फास्ट करूँगा तो उनके समझ में नहीं आएगा। आपको जितना फास्ट आप कर पाए उतना आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए इज 6 ईयर यंगर देन बी, ए इज 6 ईयर यंगर देन बी। तो मतलब ए में अगर 6 साल आप जोड़ दो तो वो बी बन जाएगा। यहां मैंने ए को परसेंटेज ऑफ ए मान लिया और बी को परसेंटेज ऑफ बी मान लिया, राइट। ए छोटा है 6 साल, तो 6 साल अगर इसमें और अपने ऐड कर दें तो वो बी की एज के इक्वल हो गए। एक तो ये आपको दिया है, रेशियो बिटवीन बीज परसेंटेज एंड सीज परसेंटेज इज 12:5। एक ये दे दिया आपको कि बी और सी का जो रेशियो है ये 12:5 का है परसेंटेज का, ठीक है।
इफ एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ सीज प्रेजेंट एज, एक ही एज है, एज एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ सीज प्रेजेंट एज, मतलब सी की जो, तो यहां से मैं देखूं तो बी की प्रेजेंट एज एक तरह से मैं मान लूं 12 के, तो सी की होगी कितनी होगी 5 के, ये 12 और 5 का जो रेशियो है। अब वो कह रहा है कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो सी की प्रेजेंट एज से डबल है, एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ सी, तो ए की एज यहां से कितनी निकल गया 10 के, भाई सी से डबल है। व्हाट इज द बीज प्रेजेंट एज इन इयर्स, बी की प्रेजेंट एज आपको चाहिए, तो बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो यहां अगर इस इक्वेशन में आप रखें तो बी कितना हो गया 12 के, ए कितना हो गया 10 के, प्लस 10 और 12 को निकालोगे तो के यहां से आपके पास 3 आ गया, तो ये 12 के था, तो 12 इंटू 3 बी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 36 इयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक काम कभी नहीं करें कि भाई आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और देन आप उसको सोल्व करना शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें आप उसको किसी भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, और अगर दो स्पान का अगर रेशियो दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री में काफ़ी आता है, जैसे ए और बी का आपका 4 साल पहले का रेशियो दे दिया, 4 साल बाद का दे दिया, या प्रेजेंट का दे दिया 4 साल बाद या पहले का दे दिया, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द सैलरी ऑफ ए मैन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 16,000 पर मंथ टू रुपीज 18,000 पर मंथ, इनिशियली कितनी थी उसकी 16K थी और फाइनली कितनी होगी उसकी 18K होगी, इंक्रीज परसेंट कितना हुआ, तो एक हमेशा ध्यान रखिए कि इंक्रीज परसेंट इनिशियल के रेफरेंस में निकलेगा, तो क्या आएगा इसका परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज अगर आप देखेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब फाइनल वैल्यू इसकी क्या होगी 18 होगी, अब के वे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, रेशियो आप पे जस्ट उसका परसेंटेज निकाल रहे हो, तो 16 के को 16 और 18 को 18 भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होना, तो फाइनल वैल्यू 18 माइनस 16 और अपॉन 16 और इंटू 100, अब 18 और 16 का ये 2 हो गया, 2 बटा 1 बटा 8 क्या होता है 12.5%, 12.5% को टिक कर दे। द एवरेज हाइट ऑफ 4 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड एज 140 सेंटीमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं प्रेम, क्या दिया है ये कोई मान लो 4 गर्ल्स हैं, इनकी आपको एवरेज हाइट दे दी, एवरेज हाइट कितनी है 140 सेंटीमीटर। 3, इफ द एवरेज ऑफ द हाइट्स ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ द 4 वाज 137, अगर इनमें से ये पोजीशन थी कि एवरेज तो 140 होगी लेकिन तीन जो थी उनकी जो एवरेज है, मतलब ये नहीं है कि सबकी 137, उनकी मान लो 137 ही थी इनकी एवरेज, 137 सेंटीमीटर थी, तो व्हाट वाज द हाइट ऑफ द फोर्थ, तो ये जो फोर्थ है इसकी हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो आप एक चीज को इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि जब इन तीन की हाई एवरेज हाइट 137 है, ओवरऑल एवरेज इसकी चौथी की मिलाते ही 140 हो जाती है, तो इसका मतलब इस फोर्थ की हाइट कितनी हुई, हाइट ऑफ फोर्थ क्या हुई 140, तो इसने खुद अपने पास रखी, भाई एवरेज 140 है तो 140 तो फोर्थ के पास भी बची, और जो सरप्लस थी 140 से, कितनी सरप्लस थी, इनको हर को तीन तीन सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट थी, भाई इस 137 को 140 पे ले जाने के लिए इनमें सब में एवरेज तीन तीन सेंटीमीटर इनमें जुड़ेगा, तो प्लस 3 × 3 इज इक्वल टू 149 सेंटीमीटर, तो 149 पहला ही ऑप्शन है, इसको टिक करें। ए मैन बोट 3 डिफरेंट आइटम्स एट ए टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 2400, ए मैन बोट 3 डिफरेंट आइटम डिफरेंट है और टोटल प्राइस उसकी कितनी है सीपी टोटल उसकी जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल तीनों आइटम्स की 2400 रुपए होगी। इफ ही सोल्ड 2 ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ
20% एंड बाय सेलिंग दी थर्ड आइटम एट रुपीज 1000 ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 25% का। इसका मतलब टोटल सेल प्राइस कितनी आ गई? भाई कॉस्ट प्राइस 2400 थी, इससे 25%, तो 2400 में 25% इसका और जोड़ लो तो 1/4 × 2400 आप और जोड़ोगे तो होगी 3000 उसकी सेल प्राइस है टोटल की। अब वो कह रहा है कि थर्ड आइटम कितने में बिका? ही सेलिंग द थर्ड आइटम अब 1000 में, तो सेल प्राइस दो आइटम की तो कितनी है और थर्ड की कितनी है? थर्ड की तो 1000 है, तो उन जो दो आइटम दूसरे हैं वो कितने में बेचे? 2000 रुपए, राइट। इफ यू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द थर्ड आइटम और इसकी सीपी चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको ये दे दिया कि जो दो आइटम बिके हैं उनमें 20% प्रॉफिट था, इनकी सेल प्राइस है 2000, तो इनकी कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकाल लूं और वो 2400 में से घटा दूं तो थर्ड की बच गई अपने आप, तो ये जो सेल प्राइस है ये कितनी है? 20% प्रॉफिट है, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2000, तो इसकी यहां से सीपी निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी? 2000 बट इंटू 100/120, राइट। 2000 × 100/120 ये होगी कॉस्ट प्राइस कितनों की? इन दो आइटम्स की। तो अगर मैं देखूं 20 × 50 = 100 और 20 × 6 = 120 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1000, तो ये आपका 5000/3, 5000/3 आ गया इसकी किसकी? सेल प्राइस ऑफ टी, तो और सबकी मिला के 2400 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड कितनी आ जाएगी? 2400 − 5000/3, तो 7200 में से 5000 गए 2200, आई थिंक 24 × 72 में से 50 × 50 = 70 2200/3, तो ये आपकी आ गई 733 कुछ करके, तो 733 इसमें 733 आई थिंक आई है, तो 733 है क्या इसमें? नहीं है, तो ना नोट दी इसको टिक कर। नेक्स्ट देखिए, ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें एक सीरीज आपको दी हुई है उसमें एक टर्म रॉन्ग है वही आपको फाइंड करनी, तो सीरीज रॉन्ग नंबर हो मिसिंग नंबर हो इंपॉर्टेंट क्या है? उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना, उसकी चाल डाल देख के आप ये पता कर लें कि सीरीज किस टाइप की है। भी 9 है, 22 है, 24 है, 36 है, 39 है और 52 है, तो क्या लगा इसमें आपको? भाई इसको देखने से लग तो यही रहा है कि डिफरेंस की ही सीरीज होनी चाहिए कि बहुत रैपिडली ये नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 9 और 22 तो ये 13 हुआ प्लस का, ये प्लस का 2 हुआ और ये हुआ प्लस का 12 आई थिंक 24 × 12 = 36 और ये हुआ प्लस का 3 और ये फिर आपका कितना हो गया? प्लस का 13। अच्छा, इसका मतलब 13 2 और ये भी उसके आसपास ही है, आगे फिर 13 बन रहा है, तो अगर मैं एक बार यही पैटर्न मान लूं कि 13 + 13 + 2 + 13 + 2, इसको अगर मैं 13 करता हूं तो 24 ये 37 हो जाता है और ये 37 होते ही ये प्लस 2 हो जाता है, मेरी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है और 37 इज द रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट देखिए, 200 है, 165 है, 148 है, 117 है, 106 है और 77 है, तो ये वैसे ही सीरीज को देखो तो ये डिफरेंस की सीरीज लगती है, लेकिन इस सीरीज को बनाने वाले थोड़ा इसको टिपिकल बनाया। इसको आप अगर देखें तो अगर मैं ये मानूं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 4 मानो एक बार इसको, और इसको मानो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 × 13 = 169 और माइनस 4, 13 का स्क्वायर माइनस 4, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 4 और ये 11 का स्क्वायर माइनस 4 और तो यहाँ भी सही है, यहाँ फिर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 104 होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आप देखोगे 9 का स्क्वायर माइनस 4 तो ये 77 आपका टेली होना, तो ये थोड़ी सी
टिपिकल सीरीज है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही सिंपल है और डेफिनेटली आप देखिए पांच में से एक आध क्वेश्चन आपका मुश्किल मिलेगा, बाकी सब आसान मिलेंगे। इस साल में 2019 में जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं सभी में नंबर सीरीज का अच्छा वेटेज रहा है, किसी स्लॉट में रॉन्ग है, किसी में मिसिंग है, बट सीरीज अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो सभी करने लायक थी। मुश्किल से पूरे 2019 में कुछ क्वेश्चन टफ रहे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपसे जरूर इंटरप्ट करके कहना चाहूंगा, अगर सीरीज आपको पैटर्न पता नहीं लग पा रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि प्री में आगे आसान क्वेश्चन आपके करने लायक खूब है। जैसे इसको देखो आप पे, आपको देखते ही लगा कि ये सीरीज तो मल्टीपल की, अब 5 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 7.5 हो रहा है, इसको 2 से करता हूं तो 12.15 हो रहा है, और इसको 2.5 से करूं तो ये भी हो रहा है, तो डेढ़ था, दो था, ढाई था, एक एक जुड़ता गया, तो क्या मैं 3 से करूं तो हो जाएगा? तो 3 से करने के लिए आप क्या करें, इसको 30+7.5 माने या 40-2.5 माने, जिसमें भी आपको सुविधा हो, और फिर उसको करें। तो आपको दिख गया 30 भी 90 तो एक आ गया, और 22.5 एक आ गया तो 100 साढ़े बारह तो है नहीं। यहां भी आप करेंगे 40-2.5 को अगर 3 से करेंगे तो आपको 120-7.5 वही 100 साढ़े बारह वापिस आ गया। तो यहां आपको लग रहा है कि ये गलत होनी चाहिए, अगर आपको डाउट है तो इसको 3.5 से गुणा करके देख सकते हैं कि ये आगे वाला या आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5, 5, 25 लास्ट पे यूनिट डिजिट 5 है, 5 ही इसमें आ रही है। वैसे करें भी तो इसको अगर मैं 3 से करूंगा तो 336, भाई मैं क्या करूंगा, 112-5 × 3 करूंगा और प्लस 112-5 को 0.5 से करूंगा ओरल, तो ये मुझे दिख रहा है 336 और 337 आपको यहाँ से नजर आ रहा है, और यहाँ कितना है 112 का आधा, तो 112 का आधा 56 और इसका 56.25, तो 50 और 25 75 तो बिल्कुल आपका टैली हो रहा है, और 7 और 13 यूनिट डिजिट भी हो रही है, तो इसको टैली कर लीजिए, टिक करो। 208, 106, 51, 28.5, 11.7। अब इस सीरीज को देखते ही आपको ये तो तुरंत पता लग रहा है कि ये सीरीज डिवीजन की सीरीज है, एग्जैक्टली तो डिवीजन नहीं है, उसके साथ ही कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। अगर 208 का मैं हाफ करूं, डिवाइड करूं इसको 2 से, तो 10 और इसमें 2 जोड़ लो, एक बार में ट्राई किया मेरा, एक हिट एंड ट्रायल करते हैं अपने भाग, इसको भी 2 से करूं तो यहां क्या पोजीशन आ रही है, 156 का आधा 53 और उसमें से -2 कर लूं तो 51 आ रहा है, राइट। 51 का आधा कितना हो गया, 26.5 या 25.5, 25.5 है, तो 25.5 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 27.5 आना चाह रहे हैं, 27.5 और 27.5 का आधा 13.75 और उसमें मैं 2 घटा लूं तो 11. बिल्कुल सही है, तो 28.5 इज द रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट देखिए, 77 है, 86 है, 71 है, 80 है, 65 है, तो यहां से ये बढ़ी फिर ये घटी फिर बढ़ी, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो आपकी अल्टरनेटिव सीरीज है या फिर डिफरेंस है। तो अल्टरनेटिव में देखूं 77 और 71, ये -6 है और ये भी -6 है, और 69 और 6 ये भी -6 ही आ रहा है, तो यहां अगर मैं देखूं 86 और 80 ये भी -6 है, और 80 और -6 अगर यहां मैं -6 करता हूं तो ये 70 रॉन्ग हो जाती है, इसकी जगह 74 आना चाह, तो ये 70 को टिक कर लीजिए, बाकी इसको एज ए डिफरेंस भी आप करेंगे तो आइदर इन डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ये उससे भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 6 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉसेज 4 marks for every wrong answer, right? If he attempt 80 questions and obtained 310 marks, how many questions did he attempt correctly, right? तो ये मैं मान लूँ कि x question थे, वो उसने किए correct, तो obvious है incorrect कितने किए फिर उसने, incorrect कितने करेगा,
भी टोटल 80 है तो 80 माइनस एक्स जो है वो उसने किए इनकरेक्ट। अब वो करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, एक्स इंटू सिक्स मार्क्स उसको मिले करेक्ट के लिए, और ही लॉसेस 4 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग, तो और इसमें से कितने माइनस हो गए, 80 माइनस एक्स जो रॉन्ग किए उसमें हर में 4 नंबर कट रहे थे, और ये बना कितना 310। अब इसको जैसे ही आप x की वैल्यू निकलेगी, हाउ मैनी डिड ही कट अटेम्प्ट करेक्ट, और वही करेक्ट है और वही आंसर। तो ये आपका 6x माइनस 320 और प्लस 4x इजिकल टू 310, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 630, और ये जुड़ के हो गए 10x। एक सिफर यहां से आपकी कट गई, 63 इज योर राइट। नेहा स्कोर 1.2 टाइम्स एज मैनी मार्क्स इन साइंस एज इन संस्कृत, तो इन संस्कृत हाउ मैनी 1.2 टाइम्स एज मैनी मार्क्स इन साइंस एज इन संस्कृत, तो संस्कृत में मान लो इसने, संस्कृत में नेहा ने स्कोर किया x, तो इसमें कितना कर लिया साइंस में 1.2 टाइम्स ऑफ x ये दिया है। एंड इन सोशल साइंस, एक ये सोशल साइंस और इसने लिया है, इन सोशल साइंस ही सी स्कोर्ड 20 मोर मार्क्स देन साइंस, साइंस से 1.2x plus 20 राइट। इफ सी सिक्योर्ड 85.5% मार्क्स इन दीज थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ ए टोटल 600 मार्क्स, तो इन सब का टोटल कितना दे दिया 85.5% ऑफ 600, 85.5% ऑफ 600 राइट इन द गिवन थ्री सब्जेक्ट ओनली। हाउ मच डिड सी स्कोर्ड इन सोशल साइंस, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां जैसे मैं देखूं 85.55% ऑफ 600 निकालने के लिए आपको क्या 1% की वैल्यू 6 है, तो एक तरह से आपको करना क्या है 85.5 को 6 से गुणा करना है जितना जल्दी आप कर। 80 से मैं करूंगा 8 6 48, 480 हो गए, और 5.5 को 6 से करूंगा 6 5 30, और 6 5 30 33 और आ गए, तो कितना हो गया मेरा 513 टोटल मार्क्स, और टोटल हैं कितने इनको जोड़ लीजिए भाई आप 1.2, 1.2, 2.4 और 1.3.4, 3.4x plus 20 = 513, तो 513 में से ये 20 तो वापिस निकल गया, तो ये कितना आ गया 13, तो एक हो गया 493 और x इज इक्वल टू आ गया 493/3.4। इनसे पूछा आपने से क्या है हाउ मच डिड सी स्कोर्ड इन सोशल साइंस, सोशल साइंस कौन सी थी 1.2x plus 20, ये आपको चाहिए, तो इसको आप 1.2 से गुणा कर दें और उसमें 20 जोड़ दें, ये आपको फाइंड करना है राइट। तो 1.2 जीरो नहीं करके 1.2 ही कर लो, ये यहां से आपका कैंसिल आउट कर लो, तो 34 153 कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अगर मैं इसको 17 कर दूं और इसको कर दूं 6, तो 17 × 34 के बाद में बचा 15 153 29, ये कितना आ गया 30 × 6 = 180 में से 174 बचा और 20 और जोड़ के 194 194 देख लो ऑप्शन ए इज राइट। एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन जर्नी विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन जर्नी, कोई भी मान लो ये टोटल जर्नी यहां तक थी डी थी, तो ये डी बाई टू हो गई, ये भी डी बाई टू ही होगी, इस हाफ जर्नी में तो उसकी स्पीड रही है 50 किलोमीटर पर आवर विद स्पीड ऑफ 40, एंड सेकेंड हाफ यहां उसकी स्पीड रही है, मतलब ये दोनों की
डिस्टेंस इक्वल है, ये ध्यान रखिएगा। इफ इट टेक्स 9 आवर्स टू कवर टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन होल जर्नी, और टोटल टाइम्स कितना है 9 आवर्स। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लें जर्नी की, क्योंकि 50 और 40 की डिस्टेंस इक्वल है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2xy/x+y, जहां x फर्स्ट हाफ के लिए और y दूसरे हाफ के लिए अगर स्पीड है, तो यहां मैं देखूं तो 2 गुणा x, x कितना हो गया 50 × 40 और बटा 90। एक सिफर तो इससे कट गई, तो 50 × 100 = 400/9, राइट। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, और आपके टोटल टाइम है 9 आवर्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई, स्पीड इनटू टाइम, तो 400/9 × 9, तो 400 आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ गई 400 किलोमीटर को टिक, राइट। या आप इसमें देखेंगे कि इस जर्नी में कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, डिस्टेंस दोनों में इक्वल थी, और आप देखिए स्पीड यहां 5 और 4 है, दोनों स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, 4:5 है, तो टोटल 9 आवर्स जो थे वो 4:5 में बटने। तो यहां इसमें लगेंगे आपको 4 घंटे, इसमें लगेंगे 5 घंटे, तो 4 घंटे में ये 200 किलोमीटर, ये भी 5 घंटे में 200 किलोमीटर, दोनों मिलके 400 किलोमीटर। तो इस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक एवरेज जब इक्वल डिस्टेंस हो, ये एवरेज वाला ये छोटा सा फॉर्मूला लगा ले, मीटर नहीं लगा पाए तो भी कोई खास ऐसी बात नहीं। आप थोड़ा ये जरूर ध्यान रखिए कि ये 50 स्पीड जो भी है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम, तो स्पीड जहां स्पीड का रेशियो मैं इन दोनों का देखूं तो 50:40 है स्पीड का, s1 s2, 5:4 है, तो t1 t2 का जो रेशियो होगा वो 4:5 हो जाएगा, और 4:5 4 पार्ट और 5 पार्ट, टोटल 9 पार्ट की वैल्यू 9 घंटे है, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, तो 1 पार्ट की 1 घंटे, 4 घंटे यहां लगे, 5 घंटे यहां लगे, 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम 200 किलोमीटर, 200 एक निकाली तो उसका डबल ही करना, आपको पता इक्वल डिस्टेंस। ए स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपीज 450, मतलब 4,50,000, आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइंड द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 9:5, व्हाट इज द कैपिटल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा जब भी करें तो इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, इस क्योंकि आपको कुल मिला के इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ज्यादातर केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम का फैक्टर निकालना है, और उनका जो रेशियो होगा डिफरेंट पर्सन का, वही रेशियो प्रॉफिट शेयर का होगा। तो ये मैंने जैसे ए लिख लिया, बी लिख लिया, जैसे जैसे मैंने पढ़ा भाई इन्वेस्टमेंट कितना था इसका 450 के, और आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, और बी का आपको दिया नहीं है तो ये मान लो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी आ गया। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन, तो बी रहा इसका मतलब 8 महीने, और ये रह गया पूरा 12 महीने। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सेट द प्रॉफिट इन 9:4, और इनकी वैल्यू क्या दे दी उन्होंने 9/4, कुल मिला के यही कैसे ये के, तो कोई बात नहीं कैसे छोड़ो आप, और ये आपका 9 को मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो ये 50 के आ गया, और ये 12 है तो 8 × 12 आ गया, और 4 को यहां से करूं तो ये 6 हो गया, तो IB = 300 के, 300 के का मतलब 3 लाख, तो 300 के इसमें देख लो। इन ए मिक्सर ऑफ वाइन एंड वाटर देर इज ओनली 40% वाटर, इन किसमें मिक्सर है वाइन और वाटर का, तो अगर मैं रेशियो देखूं तो वाइन और वाटर का रेशियो क्या है, 40% वाटर है, तो ऑब्वियस है ये 60% है और ये 40%, तो परसेंट से परसेंट कट गया, सिफर से सिफर कट गई, और 6:3 और 2 मतलब रेशियो आ गया मेरा 3:2। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सर विद 15 लीटर ऑफ प्योर वाइन, मतलब 15 लीटर इसमें से निकाल लिया और 15 लीटर प्योर वाइन मिला दी इसमें, क्या मिलाई है 15 लीटर प्योर वाइन, द परसेंटेज ऑफ वाइन इन मिक्सर बिकम 75, ये क्या बन गई, ये 75 बन गया, तो ऑब्वियस है ये 25 बन गया, तो ये हो गया 3:1 बन गया है, जो 3:2 था वो 3:1 बन गया,
राइट। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, मिक्सर की क्वांटिटी। तो मिक्सर की क्वांटिटी तो पहले भी उतनी थी जितनी बाद में थी, उसमें तो 15 लीटर को रिप्लेस किया आपने, राइट। तो यहां अगर मैं देखूं तो वाटर मैंने नहीं मिलाया है, तो मैं कोशिश इक्वेट किसको करूं, इसके पार्ट को। तो इसके लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया 6/2। 3:6 बन गया। क्यों बना? 15 लीटर की वजह से। तो 15 लीटर का रोल क्या हुआ? 3:6 बनने का मतलब 3 पार्ट की वैल्यू आपके होगी 15 लीटर, तो 1 की होगी 5 लीटर, 5 लीटर का 1 पार्ट है। तो अब इसमें देखो, 6 और 2 8 है, 8 पार्ट को 5 से गुणा कर लो, 40 लीटर। 40 लीटर का ये है क्या? ऑप्शन बी को टिक कर लो। अब देखिए कुछ ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये भी वो पार्ट है आपका जिसको आपको सबसे पहले करना है, राइट। क्या दिया है? अब इस तरह के क्वेश्चन इस साल काफी आए। देखिए 6/35 को इंटू 1/7 और भाग 4/7। तो इसमें पहला काम आपको क्या करना है, इसको होल फ्रैक्शन में चेंज करना। 6/35 इंटू, अब इसको मैं करूंगा 38 × 38 = 45/38 है, तो ये 40/38 आप तुरंत लिखिए, और जहां भी डिवीजन दिखे उसको मल्टीपल कीजिए, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये 7/4 हो गया = x। अब आप जितना जल्दी इसको करें, 7 × 5 = 35, 5 × 9 = 45, और कुछ कट रहा है क्या? अगर मैं और कैंसिल आउट करूं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 9 × 3 = 27, 27/76। तो 27/76 देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट। तो इस क्वेश्चन को मेरा लेना का जो मेन मोटिव जो है वो है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अगर मल्टीप्लाई आपका हो रहा है तो सबसे पहले अपने को इसको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन एक तरह से, या वैसा या थोड़ा डिफरेंट मान लो। 4/6 × 4 × 1/3। अब इसका इसको क्या करें, 468 भाग को गुणा कर, और गुणा 1/13, ये 1/13 है, इसके स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेके आया हूं कि आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये डिवाइड जो हो रहा है ये सिर्फ 4 से हो रहा है। इसके बाद ये एक ऑपरेशन आ गया, तो इस ऑपरेशन एंड उसके बाद की जो चीज है उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, राइट। अब आप इसको जितना जल्दी करें, अब 468 है आपको पता है, 117 × 13 = 117, तो 9 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 24 × 16 डिवाइड हो रहा है 15 से, प्लस ये हो रहा है भाग हो रहा है x से गुणा हो रहा है 4, राइट। अब एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पता है कि इस पूरे ब्रैकेट का भाग हो रहा है x, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 1/x, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 4 तो इनसे डिवाइड होना चाह रहा है और = x, राइट। यहां आपने चलो थोड़ा तसल्ली से कर लेते हैं, क्या हुआ 24 × 16 भाग को सबसे पहले डिवीजन ही गलती करवाएगा, उसको एलिमिनेट करो और मल्टीपल में चेंज कर लो, 1/15 + 32.4, और ये पूरे का पूरा, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, अगर यहां भी भाग या गुणा, भाग को अपन गुणा कर लेते, यहां भी मल्टीपल हो रहा होता तो अपने सीधा ही इसको भी मल्टीप्लाई करके 1/x कर लेते, बट यहां प्लस है, मतलब ये जो है डिवाइड है ये इससे भी हो रहा है और ये इससे भी हो रहा है, × 1/x = 4। अब इनको आप क्रॉस कर लीजिए, तो ये x तो ले जाओ यहां, और ये जो 4 है ये इस पे दोनों के नीचे डाल दो। अब आप इसमें देख लीजिए, 4 को अगर मैं देखूं तो ये हो गया, तो ये आपका, और यहां 4 को देखूं तो ये 8.1 आ गया। तो 96/15 + 8.1 = x, तो 96 को अब आप को ये दिख रहा है कि 96 का वैसे तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 32 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 6.4, 32 का क्या हुआ 30 + 2, मानिए आप इसको 30 को 5 से करोगे 6 है, 2 को 5 से करोगे तो पता है आपको 0.4 और ऐड हो जाएगा, तो 6.4 और 8 = 15,
14.5 आप इसमें टेक कर, राइट। तो इनको स्प्लिट जरूर कर लिया करें जब भी, तो उससे क्या एरर भी नहीं होगी और साथ ही आपका जल्दी भी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, फिर वही है, क्या दिया है 21/12, तो इसका मतलब ये क्या हुआ एक तरह से, इस ब्रैकेट में 21/5 हुआ, यहां क्या हुआ 12/5 हुआ, और यहां जो भाग है ये कितने से हो रहा है 42/5 से। आई थिंक इसमें तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं भाई, 40 ये डिवीजन में करोगे तो 1/5 ना बटे में चला गया। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 21/5 × 12/5 और इनटू आप करोगे तो ये 5/42 हो गया रिजिकल टू एक्स, 5 से 1/5 तो यहाँ से कट गया आपका। अगर ये 21 है ना, तो 7 × 21 और 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12, तो ये क्या आ गया 6/5 आ गया। तो इसको मैं ये मान लूं कि 5 + 1/5 और 5/5 तो क्या जाएगा 1.2, यही 1.2 आपका आई थिंक आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, एक इस तरह के क्वेश्चन से का, ये 20.4 नहीं है, ये है, ये क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, राइट। इसमें क्या है, जैसे 4 की पावर 4 होगी और इनटू ये अल्टीमेटली किसकी पावर है, अपने इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हो, और पावर अगर सेम है तो बेस को इक्वेट कर सकते हो। तो यहां मुझे x की वैल्यू, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इनको इक्वेट करना है, तो मुझे सेम बेस पे पूरा कन्वर्ट, तो बेस क्या है 16 पे पूरे को लेके आओ। तो 4:4 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरह से 4 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, यही हुआ इसका, इस 4 को मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं और ये 16 है, तो मेरे पास क्या आ गया 16 का स्क्वायर × 256 से भी 16 का स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर और = 16 की पावर x-3। तो यहां मेरे पास 16 की 4 और 2 6 पावर आ गई, 16 की पावर 6 = 16 की पावर x-3। अब पावर दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लीजिए, x = 9, x-3 = 6 और x = 9, 9 को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक डीआई है जिसमें क्या है, बार ग्राफ बेस डीआई, डीआई आपके कन्वेंशनल आएगी, निश्चिंत रहिए, मुश्किल नहीं होगी, और लेकिन उसमें अगर 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में से अगर 3 सिंपल हैं और 2 थोड़े से कैलकुलेटिव, उनको स्किप कर दीजिए, 5 मत फिर अटेम्प्ट कीजिए, या अटेम्प्ट करनी है अपने को डीआई भी, लेकिन अटेम्प्ट अपने को तभी उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने इसके सिंपल हो। अगर कोई लंबा क्वेश्चन है आप उसको स्किप करके नेक्स्ट चले जाइए, मिसलेनियस कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। इसमें देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन द बार ग्राफ द अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज ABCD इन द 2 मंथ्स मार्च और अप्रैल, क्या दिया हुआ है ABCD 4 कोई कंपनी है और मार्च और अप्रैल, ये मार्च है और ये अप्रैल, इनमें जो प्रोडक्शन हुआ टनों में इन केजी या टन, आई थिंक ये इन मेट्रिक टन है, प्रोडक्शन इन एमटी दिया ना, इसको करेक्ट कर लो, इन मेट्रिक टन में ये दिया हुआ है भाई, जैसे ये 60 टन हो गया, ये आपका 80 टन हो गया, और ये जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये आई थिंक 65 हो गया, और ये बीच में है आपके, तो ये हो गया आपका 30 टन, ये भी हो गया आपका कितना हो गया 70 टन, और ये हो गया आपका 55, ये जरूर थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी ए एंड बी टुगेदर इन मार्च, तो मार्च को मैं एम ले लूं, मार्च की ए प्लस बी टुगेदर इन मार्च, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी इन बोथ दी मंथ टुगेदर, और डी की कौन से में, डी की जो है वो मार्च और अप्रैल दोनों में, ये आपसे पूछा गया। तो मार्च की ए प्लस बी कितनी हुई, अब इनको सिर्फ क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है देखिए, बट आपको ध्यान से करना है नहीं सिले मिस्टेक्स हो जाए। मार्च की ए प्लस बी, तो ए और बी, ए ये है बी ये है और ये आपका मार्च है, तो यहां से 60 हो गई,
और यहां से आपकी होगी 30, तो 60 और 30 90, ठीक है भाई। मार्च आपका ये है और ए और बी ये है। रेशियो डी की दोनों महीने, तो डी ये है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये तो थी, ये तो 55 थी और ये थी 70, 60, 7 और 5 12 120, 125 होगी। 5 से मैं कैंसिल आउट करूं तो 18 और ये होगी 25, 18 रेशियो 25, इसमें कहीं है क्या 18 रेशियो 25, तो इसमें नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज हुई क्या फिर, या कुछ गलत कर रहा हूं मैं। मार्च की ए प्लस बी, मार्च की ए 60 और ये होगी 30, 60 और 30 90। एक सेकंड, 20 40, ये तो 30 ही लग रही है, और ये 125 दोनों महीने की, भाई ये तो इन दोनों के बीच में 70 है और ये 60 से 5 कम 55 है। 18 रेशियो 25 ना 30 कर दो, कोई बात नहीं। ये इसमें थोड़ा सा ये रह गया है, इसमें इसमें ऊपर या तो वो लाइन होती या यहाँ पे फिगर होते, थोड़ी सी गलती रही है क्वेश्चन में मेरे से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय ऑल फोर कंपनीज इन द मंथ ऑफ मार्च। व्हाट इज द डिफरेंस, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर कंपनीज इन मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च और अप्रैल का, मार्च का टोटल और अप्रैल का टोटल, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने मार्च को मान लो पॉजिटिव ले लिया और इन दोनों का डिफरेंस जैसे जैसे आया वो लिखते गए, या इन सब का टोटल करो और फिर इनका टोटल। तो मैं ये ले लेता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस, मार्च को मैं पहले प्लस में, जैसे फर्स्ट केस में 20 का डिफरेंस है लेकिन ये माइनस का ले लिया मैंने, माइनस 20, क्योंकि मैंने मार्च को पॉजिटिव लिया, ठीक है। दूसरे में भी आप देखें तो ये कितना आ गया, 10, तो 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 20 फिर और हो गया माइनस 20, और यहाँ आप देखें तो प्लस का आ गया, प्लस का कितना आ गया आप 20 यहाँ आ गया और 20 ये 40, 40 और 5 45, ठीक है, तो 45 प्लस का आ गया। इसमें लास्ट में अगर मैं देखूं तो यहां भी पॉजिटिव ही आ गया, पॉजिटिव कितना आ गया 5 यहां था 10 यहां, तो ये 15 यहां से भी पॉजिटिव आ गया और यही आपकी वैल्यू। तो 40 20 और 20 40, ये 5 बचा, 20 मेट्रिक टन का डिफरेंस आ गया, इसको ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल शुगर सोल्ड बाई कंपनी सी इन गिवन टू मंथ, सी के दोनों महीने, सी के दोनों महीने, सी का टोटल इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल शुगर प्रोड्यूस बाई कंपनी डी इन गिवन टू मंथ, डी का टोटल ये पूछा है। तो सी का टोटल कितना है, सी का टोटल अगर मैं देखूं तो ये आपका 20 है और ये 60 रे 20 80 और 5 आई थिंक ये 85 हो गया, 85 85, और डी का टोटल आपका देखिए 60 10 70 70 55 125 और इंटू 100, तो 55 125 और 25 चौका 100 और 5 17 5 85 17 चौका 68 68%, तो 68% को ठीक कर दीजिए। इन द मंथ ऑफ मार्च टोटल शुगर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब मार्च का प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ कंपनी सी इन अप्रैल, अप्रैल किसका, सी का, अप्रैल सी और इनटू 100, ये आपसे पूछा गया है। तो मार्च का बी का अगर देखेंगे प्रोडक्शन, बी में मार्च में कितना है 30 है, और ए का सी में, नहीं अप्रैल, सी का अप्रैल में, तो सी आप देखिए तो अप्रैल में कितना है, ये 20 है और बटा भी 20 है और गुणा है 30 माइनस 20, तो ये आपका 10 आ गया, 1/2 50 50%, तो 50% को ठीक है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द टोटल शुगर प्रोड्यूस्ड बाई अनोदर कंपनी ई, अनोदर कंपनी अप्रैल का कोई ई कंपनी है, उसने कितना है 40% मोर देन द शुगर प्रोड्यूस्ड बाई कंपनी
बी इन मार्च, बी ने जो मार्च में किया है उससे 40% ज़्यादा। बी ने मार्च में कितना किया है, 30 टन, तो इसका हो गया 30 का 40% मोर, तो इसका मतलब 140% ऑफ, या 1.4 डायरेक्ट कर लो तो 42 मेट्रिक टन इसका आपका मार्च का इज मोर देन द टोटल बाय। देन फाइंड द शुगर प्रोड्यूस बाय कंपनी ई इन अप्रैल, तो ये तो 42 बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आगे क्या दिया है, 11 से 4/6 और 4 से 1/5 + 5, इस तरह के क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसको सिंपली होल फ्रैक्शन में चेंज करना। ऑफ का मतलब मल्टीपल है और कुछ भी नहीं, तो 16 को 11 से करूंगा 176 और 4 = 80, तो 180/16 into 121/25 भाई, 25 चौके 100, 121/25 + 5 = 2 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हो गया 4 और ये 18 का 90, 90 का 45, 5 × 25 और 5 × 9 = 45, और आगे कोई कैंसिल आउट ये हो रहा है क्या, नीचे 20 आ गया, 5 चौके 20, 9 × 121/20 यही है एक तरह से। 20 को अगर मैं यहां से करूं तो आई थिंक 120 + 1 में मान लूं तो ये मेरे पास 6.05 आ गया, इसको मैं करूंगा तो 9 × 6 = 54, 54.45, और ये 5 इसमें और जोड़ना है तो 59.4, आई थिंक आप समझे होंगे। जैसे यहां मेरे पास क्या आ गया, 9 × 121 ऊपर है और नीचे है 20 और प्लस है 5, राइट। तो अगर मैं इसको यहां से कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि 121 को मैं मान लू 120 + 1, इसमें भी मैं ओरल 20 का भाग दूं, इसमें भी तो ये तो मुझे पता है 6 आएगा, इसमें दूंगा तो 0.05 आएगा, तो 6.05, तो इस ये हो गया मेरा 6.05। जब मैं 6.05 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको 6 + 0.05 मान लूं, 9 को 6 से करूंगा 54 और 0.05 हो गया 0.45, तो 54.45 और प्लस 5 59.45 को टिक कर दे। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसमें सबसे पहला काम यहां भी आप क्या करेंगे, ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इनका होल फ्रैक्शन बनाए, 6 × 5 = 30 और 2 = 32/6, 32/6 है ये, इससे 6 गुणा हो रहा है, और 8 × 3 = 24 और 5 = 29/8 है, इससे भी 6 गुणा हो रहा है कि दोनों से। ये अंदर में इसलिए लेके आया कि हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल आउट, जैसे ये तो आपका 32 निकल गए, यहां तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, यहां नहीं निकल पाया, ये 3/4 रह गया, राइट। तो अब आप यहां देख लीजिए, 29 का 3/4 है, 29 का 3/4 है, तो या तो इसको 29 × 87 = 4/4 कर लो, राइट। तो 87 का आपको पता है कि 84 का तो 21 आ गया और 0.754 हो गया, भी इसको मैं 84 + 3, ये भी 3/4 और ये भी 4, तो ये 21 आ गया और ये 0.75 आ गया, तो 21.75 मेरा यहां से निकल के आ गया, 32 मेरा यहां है, तो 32 और 21 से 32 + 21.75, तो ये हो गया 53.75, पहला ही ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए। यहां आके ऑप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइट है, फॉर्चुनेटली ऐसा हो कि 0.75 एक का ही हो, नन ऑफ दिस भी नहीं हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां इस तरह का अगर सम आता है, आया है इस साल भी आया है इस तरह का, कई एग्जाम्स में आया, तो उसमें पहला काम अपने को क्या करना है कि जो होल नंबर है उनका विद साइन जोड़ लीजिए। जैसे यहां दो ही है होल नंबर, 3 और 1 = 4, तो 4 तो मेरा 1 हो गया, उसके बाद इनको जोड़िए, तो इनका क्या करें आप, 121/85। अब इसका सबसे अच्छा काम है कि सब में नीचे 24 ले आओ, तो 24 लाने के लिए यहां तो 24 है, यहां ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो और यहां ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे तो आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, उस फ्रैक्शन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो यहां आपके क्या आ गया, 4 + 24 और यहां 1 हो गया, यहां 3 हो गया, 3 × 1 = 4, 10 × 14 = 24 या 7/12, तो ये क्या आ गया, 4 = 7/12, 4 × 7/12 को टिक कर दीजिए।
एक आप हमेशा दिमाग से कहीं कंफ्यूजन अगर है, नहीं है तो वेल एंड गुड, और है तो ये निकाल लीजिए कि 4 सही 7/12 जो है इसको आप 4+7/12 लिख सकते हो, या 4+7/12 को 4 सही 7/12 लिख सकते हो, राइट। ये कहीं अगर आपके मन में कहीं भी संशय है तो उसको आप दूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इस साल खूब आ रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क के ऊपर पावर है। तो अपने क्या करेंगे, पावर इक्वेट कर लेते हैं, पावर इक्वेट करके और फिर बेस को पावर इक्वल कर लेते हैं, बेस को इक्वेट कर लेंगे। तो 2 की पावर में अगर मैं इसको लाऊं तो ये क्या है, 24 का स्क्वायर है, 0.25 का स्क्वायर है, राइट। जैसे अगर एक्स की पावर एम और एक्स की पावर y की पावर n है मान लो, या x की पावर m और y की पावर भी m है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, x y की पावर m भी x की m है y की m है, इसको आप अंदर लेके जाएंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ कि x की पावर m और y की पावर m। तो अगर मैं 24 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर लो, उस पे पावर 2 लगा दो, तो 24 का 1/4 कर लिया 6, तो ये मेरा आ गया 6 की पावर 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की 2। तो जब पावर दोनों इक्वल होगी तो बेस को इक्वेट कर लीजिए, 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और 6 को टिक कर, राइट। तो इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं कहां क्या कर सकता। नेक्स्ट देखिए, ये क्या दिया है, 3025 भाग है, इसको गुणा करो। अब ये ब्रैकेट में है, ये पूरे का पूरा नीचे जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। इसको मैं अगर x ले लूं इज इक्वल टू 121, अब इसको मैं क्रॉस ले लूं तो क्या हो जाएगा, 3025/121 इज इक्वल टू x+17। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आप अगर यहां दिमाग लगाए, कुछ वो देता है आपको कि आप देखिए 55 का स्क्वायर क्या होता है, 3025, इसका मतलब मैं इसको 55 × 55 लिख सकता हूं, और नीचे जो है उसको 11 × 11 लिख सकता हूं, राइट। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 25 x इज इक्वल टू 8 आपकी वैल्यू आ गई, ऑप्शन ए इज योर राइट। जहां भी आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ी है, तो वो बड़ी नहीं है, आप राइट अप्रोच में जा नहीं पा रहे, क्वेश्चन 40 सेकंड के लिए ही डिजाइन होगा, बट अपनी अप्रोच कैसी रहती है वहां प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है प्री लेवल के किसी क्वेश्चन में कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो आप मान के चलिए अपनी अप्रोच राइट ली। नेक्स्ट देखें, फिर आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आ गई, एक्स लीटर वाटर एट 2x लीटर मिल्क वाज एडेड इन 50 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 50 लीटर मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:1, इफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सर इज 56 लीटर देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सर। क्या है देखिए, जैसे जैसे आपने पढ़ा वो सब इसमें लिख लीजिए। जैसे आपको क्वांटिटी कौन सी दी, ये मिलाई एक्स लीटर वाटर, एक्स एड हुआ है करना है, और मिल्क है वो 2x से ऐड करना है, सबसे पहला तो ये है ऐड, और किस में, 50 लीटर मिक्सर में मिल्क और वाटर जहां 4:1 था, और टोटल है ये 50 लीटर, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5 पार्ट की वैल्यू आपकी 50 लीटर है, तो 1 पार्ट आपका यहां से कितना आ गया, 10 लीटर। तो मिल्क मेरे पास हो गया 40 लीटर और वाटर था मेरे पास 10 लीटर, उसमें क्या कर दिया आप देखिए, 40, अब मेरे पास वाटर तो हो गया जो 10 लीटर था वो 10+x हो गया, और मिल्क मेरे पास हो गया जो 40 था वो 40+2x हो गया। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें आपको क्या दे दिया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सर इज 56 और इसकी वैल्यू आपको 56 दे दी, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, 56 में से 40 गए 16 16/8, x की वैल्यू 8 लीटर आ गई। देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सर, फाइनल मिक्सर कौन सा है, फाइनल मिक्सर यही तो है आपका, ये पूरा 56 तो मिल्क है, और यहां कितना है 18, ये वाटर, तो 56 प्लस
18 कितना हो गया, 56 बीस 76, 74 लीटर, 74 लीटर आपका राइट ऑप्शन है। थोड़ा लंबा करने की कोशिश की है बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होने वाला। आइटम ए इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड आइटम बी इज सोल्ड एट 20% लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ₹400 एंड टोटल सेल प्राइस इज 1160, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ। अब आपको देखिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेल प्राइस होगी, ये परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। समझाने के लिए जस्ट दो आइटम है, एक ए है एक बी है। क्या दिया, आइटम ए इज सोल्ड एज 10% प्रॉफिट, तो यहाँ प्लस 10% मतलब प्रॉफिट हो गया, ए सोल्ड 10% एंड आइटम बी इज सोल्ड, यहाँ 20% का लॉस हो गया, नेगेटिव का मतलब लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 400 और ये सीपी ऑफ ए दे दी 400 एंड सेल प्राइस इज रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज रुपीज 400 टोटल सेल प्राइस, और सेल प्राइस का जो टोटल है वो 1160 दे दिया। फाइंड ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, और ये आपसे पूछ लिया गया राइट। तो अगर मैं यहां देखूं जब 400 रुपए की चीज है 10% प्रॉफिट पे है तो ओबियस है ये तो 440 की बिकी, भाई 10% इसमें और जोड़ दीजिए तो ये 440 की है तो ये 720 की बिकी, भाई टोटल 1107 है तो 720 की बिकी है और 20% का लॉस है तो इसका मतलब 80% की वैल्यू है वो 720 है तो 1% की होगी 900%, कॉस्ट प्राइस है वो होगी 900 तो 900 इज योर राइट ऑप्शन। तो ये होगी 900 रुपए की चीज, ठीक है 900 रुपए की है, 20% लॉस तो 20% लॉस कितना हो गया 180 रुपए का घाटा हो गया, 720 में बिक गई। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 38, प्रेजेंट ए की ए मान लेता हूं बी की मैं बी मान लेता हूं तो ए प्लस बी जो है वो 76 है। 4 years ago देयर एज वाज इन रेशियो 9:1, 4 साल पहले क्या पोजीशन थी, भाई 4 साल पहले अगर मैं टोटल देखूंगा तो 4 और 4 8 घट गया। 4 years ago क्या पोजीशन था इनका, टोटल टोटल एज इनकी कितनी होगी 76 में से 8 घटा दीजिए भाई, 4 A की घट गई 4 B की घट गई 68 years, और इनका ए और बी का उस वक्त का रेशियो अगर मैं ए डैस बी डैस मानू इनकी एज तो ये 9:8 था। तो इस 17 पार्ट की वैल्यू 68 हो गई आपकी, 1 पार्ट की वैल्यू 4 हो गई। तो पूछा क्या है, देन फाइंड एज एज 4 years हेंस, तो ए की 4 साल पहले की एज देखूं मैं तो 36 होगी, ए डैश जो है 4 years एगो जो है वो 9 × 4 = 36, प्रेजेंट होगी 4 और जोड़ दो, 4 साल बाद की 4 और जोड़ दो तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 8 साल जोड़ दीजिए तो 44 साल आपकी एज आ गई, 44 years राइट। नेक्स्ट अगर अपने इसमें देखें तो इसमें क्या दिया है, प्रेजेंट एवरेज ऑफ इसमें आपको क्या दिया है, देखिए ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन रेशियो, तो इसके लिए क्या करें, ए को यहां लिख लिया बी को यहां लिख लिया, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ऑफ इसका 2K ले लिया इसका 3K ले लिया, आफ्टर 6 months ए विड्रॉल हिज मनी, तो ये तो ए तो सिर्फ 6 महीने ही रहा एंड एट द एंड ऑफ ईयर ए शेयर इसका मतलब ये पूरे 12 महीने रहा, प्रॉफिट वाज 225, ए का प्रॉफिट ऑफ ए 225 रहा, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया। तो आप अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो के से तो के कट गया और 2 × 6 = 12, 12 × 12 कट गया तो 1:3 हुआ। एक पार्ट की वैल्यू 225 है, 1 पार्ट 225 और टोटल कितना है 4 पार्ट है, 4 पार्ट की होगी 900, 4 गुणा होगी तो 900 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ये टोटल 270 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडेड द स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों को मिला के कितने वो है 270 बॉयज प्लस गर्ल्स, 60 गर्ल्स अटेंडेड ईच डे, तो इनमें गर्ल्स कितनी होगी 2 × 60 120, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 270 माइनस 120 150,
150 बॉयज होंगे। इफ 60 गर्ल्स अटेंडेड ईच डे एंड रेशियो बॉयज अटेंडेड स्कूल ऑन मंडे टू ट्यूजडे इज 1:2, और इन 150 में क्या है, मंडे के बॉयज और ट्यूजडे के जो बॉयज हैं वो 1:2 है, तो तीन पार्ट की वैल्यू 150 है, तो ये इसका मतलब ये तो 50 हो गए, ये 100 हो गए, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज अटेंडेड द स्कूल ऑन मंडे, तो मंडे में बॉयज में 50 है, 50 देख लीजिए, ऑप्शन इज द राइट। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, साथ ही ये जरूर कमेंट कीजिए कि आपने इस पेपर को अटेम्प्ट किया तो 20 मिनट्स में आप क्या स्कोर कर पाए, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, साथ ही मुझे भी कमेंट करें कि मैं इस टाइप के, लेकिन 1 जनवरी से आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे क्वांट के, रीजनिंग के, फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के, कंप्यूटर के भी कोशिश करेंगे ताकि आपका फाइनल के हिसाब से भी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी चलती रहे। बाकी क्वांट और रीजनिंग में तो कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बचे जो हम आपको नहीं करवा पाए या आपको वहाँ एग्जाम में जाके नहीं लगे, तो उसमें रेगुलर वीडियोस देंगे जिनमें, और एंड ऑफ वीक आपको पेपर देंगे ताकि आप अपना वो पेपर करके और ये पता कर सकें कि क्या स्कोर आपका। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।